हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल डॉली लाइफस्टाइल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और हम सब भी बहुत अच्छे हैं। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ नमकीन दलिया, जो आप ब्रेकफास्ट, लंच या डिनर कभी भी बना सकते हैं। और आज जो दलिया की रेसिपी मैं शेयर करने वाली हूँ, काफी हेल्दी और काफी टेस्टी रहेगा, न्यूट्रिशन से भरा है, तो इसे आप बच्चों को भी दे सकते हैं बेझिझक। चलते हैं नमकीन दलिया की रेसिपी देखते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं आ गई हूँ किचन में और मैं यहाँ पे ली हूँ दलिया, गेहूँ का ये दलिया रहता है। ये मार्केट में इजीली अवेलेबल है, आप कोई भी दुकान से ले सकते हैं। तो मैंने एक कटोरी दलिया ले लिया है और 5 से 6 कली ली है मैंने लहसुन की, 1 मिर्च और अदरक। आप चाहें तो मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो। और यहाँ पर मैंने वेजिटेबल्स में लिया है कैप्सिकम, टमाटो और अनियन। आप इसे चॉप करके रख ले, आप अपने मनपसंद का कोई भी वेजी इसमें डाल के यूज़ कर सकते हैं, आपको जो पसंद है। तो यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और इसमें मैं डाल रही हूँ तेल, ऑयल, कुकिंग ऑयल डाली हूँ और इसमें 1 चम्मच के करीब मैं डालूँगी जीरा। जीरा को हम चटकने देंगे, इसे थोड़ा सा स्टर कर लेंगे। तो फ्रेंड्स, जीरा जैसे चटक जाएगा, हम अदरक, लहसुन और मिर्च को कूट के ले लिए हैं, इसे हम डाल देंगे और इसे भी हल्का सा कलर चेंज होने तक इसे फ्राई कर लेंगे। तो आप अगर चाहें तो अदरक, लहसुन, मिर्च को चॉप करके भी डाल सकते हैं, यहाँ पे मैंने कूट के डाला है। और अब जैसे अदरक का कलर चेंज हुआ है, हम इसमें सारे वेजिटेबल्स को एक साथ डाल के इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। आप चाहें तो अपने पसंद से कोई भी वेजिटेबल्स यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कैरोट, बीन्स और बीटरूट। तो फ्रेंड्स, सारे वेजिटेबल्स को हम अच्छे से स्टर करके इसे ढककर 2 मिनट के लिए हम कुक कर लेंगे, ताकि हमारे वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो जाए। तो ये देखिए फ्रेंड्स, 2 मिनट हो चुका है और वेजिटेबल्स अच्छे से कुक हो चुके हैं। अब मैं इसमें डालूँगी दलिया, इसे मैंने रोस्ट नहीं किया है, इसे हम यहीं पर रोस्ट करेंगे। इसे रोस्ट करने के लिए धीमी आंच कर देंगे और सब्जियों के साथ इसे लगभग 2 से 3 मिनट तक इसी तरह से स्टर करते रहेंगे। अगर आप चाहें तो दलिया को पहले से रोस्ट करके रख सकते हैं एक कंटेनर में, बट यहाँ पे मैंने इसके वेजिटेबल्स के साथ रोस्ट किया है। अगर आपके पास भी टाइम नहीं है तो आप इस तरह से झटपट वेजिटेबल्स के साथ ही इसे रोस्ट करके इसको कुक कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए कितने अच्छे से सारे दलिया रोस्ट हो चुके हैं। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाली हूँ गर्म मसाला और थोड़ा सा हल्दी पाउडर, ताकि कलर और टेस्ट थोड़ा इन्हांस हो जाए। तो इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे मसालों को। आप यहाँ चाहे तो जीरा पाउडर और काली मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं टेस्ट को और इन्हेंस करने के लिए। तो फ्रेंड्स, जैसे मसाला रोस्ट हो चुका है, यहाँ पे मैं पानी डाल दे रही हूँ। पानी को हम ज़्यादा डालेंगे ताकि हमारा दलिया भी उसमें पक जाए और थोड़ा जूसी फॉर्म में, थोड़ा ज़्यादा थिक ना हो पाए, इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा पानी ही डालेंगे। और इसमें मैं टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल के इसे 2 मिनट के लिए ढक के रख दूँगी। जी हाँ, 2 मिनट में हमारा दलिया कुक हो जाएगा, क्योंकि हमने पहले से दलिया को वेजिटेबल्स के साथ अच्छे से रोस्ट किया है। तो ये फटाफट पानी अब्जॉर्ब करके कुक हो गया है। ये देखिए, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है ऐसे दलिया बनाने में। और ये देखिए काफ़ी अच्छा, ये जो थिकनेस है ये अच्छा है खाने के लिए। अब हम कर देंगे गैस का फ्लेम ऑफ और इसे सर्व करेंगे। अगर आप इसे बच्चों को दे रहे हैं या फिर सीनियर सिटीजन्स आपके घर में उन्हें दे रहे हैं, तो इसमें 1 चम्मच घी ज़रूर डाल के दें, जिससे इसका रिचनेस बढ़ जाएगा और ये काफ़ी टेस्टी लगेगा। तो आपको ये रेसिपी मेरी कैसी लगी? आई होप अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दें और न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, आपसे फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।